पहले इनको फोटो लेने दो, फिर खत्म कर दो, फिर बच्चों से बात कर लेंगे। बिना मीडिया के तो हम चल नहीं सकते ना। आप ले लो पहले फोटोग्राफ जो लोग, या तो फिर उनको मैं देख सकता हूँ या आपको देख सकता हूँ, आप सोच लीजिए। हाँ बस ठीक है, बहुत अच्छा लगा, नमस्कार सबको। जो पीछे पेरेंट्स बैठे हैं उनको भी मेरा प्रणाम, आप सबको। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, पहली बार आया हूँ और अब तो थोड़ी धूप भी निकल आया। जब सुबह 5 बजे निकला था तो ऐसा लगता था कि शायद अंधेरे में ही फंक्शन होगा, लेकिन भगवान की कृपा है, वाहेगुरु दा खुला दिन दे दिता सानू। सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये स्पोर्ट्स डे जो होता है, जो मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट होता था, बाकी सारा साल मेरी पिटाई होती थी। एक दिन मेरा होता था स्पोर्ट्स डे, तो वहाँ पर मेरे टीचर्स मेरे को बहुत प्यार करते थे, शायद मुझे खेलों में रुचि ज़्यादा थी और पसंद सी खेलना, इस करके पढ़ाई च ज़्यादा मन नहीं लगता सी। लेकिन आज जब मैं इस उम्र च पहुँचया हैगा, मैं मंदा क्रिकेट ने मैनू बहुत इज्जत मान दिता, लेकिन आज महसूस करना कि पढ़ाई होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सब बच्चों नू इहो कहना चाहना कि एजुकेशन विल रिमेन विद यू थ्रू आउट योर लाइफ, पढ़ाई तुहाडे सारी उम्र तुहाडे नाल रहेगी, खेल शायद 20 साल 25 साल रहेगा, लेकिन थॉट प्रोसेस स्पोर्ट्समैन का होना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए है। यह स्पोर्ट्समैन के वास्ते सब तो वड्डा ओहदा बनता हैगा। इस करके मैं चाहवागा कि सारे जितने भी बच्चे हैं, दिल लगाकर पढ़ाई करो, जरूर करो, पर जब खेल दे मैदान च है उदो पढ़ाई का नहीं सोचो, और जब पढ़ाई की क्लास के हो उदो तुसी प्ले ग्राउंड का नहीं सोचो। एंड उस तो ज़्यादा यो कहूँगा, कोई काम करन वास्ते भी एक लगन होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए, एक डेडिकेशन होनी चाहिए है। मैं सवेरे भी गल कर रहा सीगा, ऑलवेज यू किड डुप्लीकेट नहीं बनो, ओरिजिनल बनो, लोकी तुहानू फॉलो करन, तुसी लोकां नू फॉलो ना करो। सवेरे काफ़ी चर्चा हो रही सी, सब लोग कह रहे सी अजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, ए लेफ्ट विच सारे टेक्नोलॉजी वाले खड़े हैं, ए फोटो हुने लेंगे उस तो पहले पोस्ट कर देंगे, ए नहीं एंजॉय नहीं करेंगे ए मूवमेंट। तो मैं तुहानू सब लोग कहना चाहना, अज जिहड़ा दिन है इनू इंजॉय करो, कल नू कल करांगे, बी हेयर इंजॉय द मूवमेंट। पेरेंट्स नू भी इहो कहांगा, पेरेंट्स वास्ते एक रिक्वेस्ट है मेरी, ए 2% घट आ जाएगी, चिंता नहीं करो, कैरेक्टर होना चाहिए हैगा उन्हां दा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैगा। उन्हां दियां बच्चियां दियां खूबियां लभो, ए ना कहो कि जो तुसी नहीं बन सके उन्हां बनाना चाहते हो, उन्हां वो करन दियो काम जो वो करना चाहते हैं। एज ए पेरेंट्स मैं अपनी डॉटर नू कहता सी, शी आस्क मी, मैनू पुछदी सी, डैड तुसी की चाहते हो मैं की करा, मैं क्या बेटा जो मैं चाहता हूँ तू सारी उम्र नहीं कर सकती। एज ए फादर मैं चाहूँगा तू डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बेस्ट एथलीट बने, प्राइम मिनिस्टर, वो पॉसिबल नहीं है एक बाप दी सोच। बट एज ए पेरेंट्स मैं ये कहूँगा, तेरी की सोच है मैं जेड़ी, तेरी की ड्रीम है जेड़ी मैं पूरी कर सका। तो तुहानू सब नू इहो कहूँगा कि बच्चियां दी ड्रीम्स लभो कि वो की करना चाहते हैं, ताई हिंदुस्तान अगे आएगा। असी यंगस्टर दे नाल चलना हैगा, असी थोड़ा बहुत चेंज हो जाइए तो बहुत चंगा हो जाएगा। तुहानू रिक्वेस्ट इहो करांगा और बच्चियां नू ए रिक्वेस्ट करांगा कि ये जेड़े माँ बाप है तुहाडा बुरा नहीं चाहते, ए टीचर तुहाडा बुरा नहीं चाहते, इन्हां दी भी गल सुनना बहुत जरूरी है। गल सुनते रहोगे तो सफलता मिलेगी। इसी दे नाल मैं
BBS स्कूल नू मुबारकबाद पेश करदा, सानी साहब नू मुबारकबाद, पूरे परिवार नू। पहले तो नाश्ता बड़ा अच्छा दिता, उसका भी थैंक यू कहना चाहना है। उस तो बाद है कि तुसीं इन्ने बच्चों नू एजुकेशन दे रहे हो। अगर जिंदगी दे च कोई दान है तो सब तो वड्डा यह दान है कि तुसीं दूसरियां नू एजुकेशन दे रहे हो। तो इस करके तुहानू मैं थैंक यू कहना चाहना पूरे बच्चों की तरफ तो, पेरेंट्स की तरफ तो, कि तुसीं इह जिहा स्कूल खोलिया और इन्हां नू अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की। To all the teachers also, I want to say thank you very much. Selflessly, you are working so hard for the kids. I respect you, love you. For all the kids, clap for your teachers, clap for your principal. I think that's very, very important. You may be doctor, engineer, scientist tomorrow, but the teacher will remain here who given you the education. So bear. I will say good luck to everybody. Help each other. Be honest. Be sincere. And have will to win. That's the most important thing. Good luck and all the best. हौसले बड़े हों तो मुश्किलें अक्सर छोटी पड़ जाती हैं। और इस वीडियो को